<clears throat> the price at which one department transfers the goods to the next department. That was the first thing that we all had done. Something like your CA inter process one transfers to process two, but let's not transfer at cost, let's transfer at cost plus market price. That is whatever we all had done. ओके okay, या फिर वन रिलेटेड कंपनी विल ट्रांसफर द गुड्स टू द अदर रिलेटेड कंपनी से होल्डिंग कंपनीज ट्रांसफरिंग द गुड्स टू द सब्सिडी कंपनी तो एट दैट टाइम ट्रांसफर प्राइस कम सो ट्रांसफर प्राइस द इंटरनल प्राइस बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स और बिटवीन टू रिलेटेड कंपनीज वो हम लोगों ने यहां पर करके रखा हुआ है ठीक है अभी ये चीज़ जरूरी क्यों है फर्स्ट यू ऑल हैव एक्वायर्ड अ न्यू कंपनी हम लोग सपोज यहाँ पे कोई ना कोई जो प्रोडक्ट है वो बनाते थे उसके लिए अपने को कोई ना कोई रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी अभी रॉ मटेरियल हम लोग मार्केट से खरीद लेते थे वन डे वी ऑल थॉट लेट्स ट्राई टू डू वन स्मॉल थिंग कोई एक कंपनी जो ऐसा ही प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे लिए मटीरियल है लेट्स ट्राई टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर कंपनी ओनली सो वी थॉट ऑफ अ मर्जर और एक्विजिशन काइंड ऑफ अ थिंग ओके तो हम लोगों ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया अभी जब एक्वायर कर लिया दैट कंपनी बिकम पार्ट ऑफ अर कंपनी और वो कंपनी अभी गुड्स बनाएगा और हमको ट्रांसफर करेगा जब भी ट्रांसफर करेगा सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ट्रांसफर प्राइस विल स्टार्ट टू बी कमिंग बेस्ड अपॉन दैट ट्रांसफर प्राइस वी विल ट्राई टू सी हाउ गुड और बैड दैट कंपनी इज डूइंग सो दे अगर न्यूली एक्वाइर्ड कंपनी होती है एट दैट टाइम इट इज रिक्वायर्ड आगे

सीईओ है वही सारा काम नहीं करता वी ट्राई टू इट। हर एक डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट हेड है हर एक डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है तो हर डिपार्टमेंट को अपने को इवेल्युएट करना है आप इवेलुएट कैसे करोगे वन ऑफ द वेस्ट टू इवेल्युएट इस डिपार्टमेंट ने प्रोफिट कितना कमाया बट एवरी डिपार्टमेंट माइट सेल द गुड द मार्केट दे माइट ऑल्सो ट्रांसफर द गुड्स टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जब भी ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर प्राइस विल स्टार्ट टू बी कम जब ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे प्रॉफिट एलिमेंट भी आ जाएगा बेस्ड अपॉन दैट प्रॉफिट वी विल ट्राई टू इवेल्युएट जब इवेलुएट करेंगे तो अपने को प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा से प्रॉफिट का टेन परसेंट वी विल गिव एज बोनस ओके सो दे फोर टू गिव द बोनस टू कीप द स्टाफ मोटिवेटेड अगर आपको आपके डिपार्टमेंटल हेड्स को मोटिवेट करना है देन इन दैट पर्टिकुलर केस वन ऑफ द वेज ऑफ गिविंग द मोटिवेशन यू कैन ट्राई टू टेल देम कि तेरा जो पे है एक तो फिक्स कॉम्पोन रहेगा दूसरा तेरा डिपार्टमेंट जैसा भी परफॉर्म करता है उसका विल बी और बोनस ओके अगर ऐसा करोगे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंटल हेड्स विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड ऑब्वियसली फॉर इनकम टैक्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल ट्राई टू से ठीक है फिर उसके बाद यहां पर कभी भी इस चैप्टर के अंदर आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाओ तो इनकम स्टेटमेंट आप लोग ऐसे ही बनाना पर्टिकुलर्स पहले ट्रांसफर हर डिपार्टमेंट फिर ट्रांसफ्री डिपार्टमेंट और ये जो टोटल है ये कंपनी का डेटा फर्स्ट डिपार्टमेंट कैन सेल द गुड्स इन द आउटसाइड मार्केट इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू द अदर पर्टिकुलर डिविजन तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो सेल्स है इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी इन टू पार्ट ओके वन इज इन दिस पर्टिकुलर केस सेल्स इन द आउटसाइड मार्केट सेकंड थिंग इज सेल्स टू द अदर डिविजन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट के अंदर हर डिविजन का खुद का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा फिर उसके बाद खुद का फिक्स कॉस्ट वो आ जाएगा और उसके बाद ये ट्रांसफर प्राइस क्या है यू ऑल विल अंडरस्टैंड सेल्स डिपार्टमेंट विल बिकम कॉस्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट ठीक है और याद रखना यह चीजें ना कभी भी कंपनी के कॉलम के अंदर नहीं आता है इनफैक्ट यहां पर नि लिखने से अच्छा यू शुड ऑलवेज बी राइटिंग डैश होनी एस सच ओके सो दे फोर यहां पर वो सब कुछ नहीं आता बिकॉज इट्स ओनली इंटरनल ट्रांसफर ठीक तो कभी भी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए वो बोलेंगे जहां पे दो डिपार्टमेंट्स वगैरह है दिस डेटा विल स्टार्ट टू बी कमिंग ओवर ठीक है हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था चैप्टर इस चीज इस से स्टार्ट किया था फिर उसके बाद व्हाट विड बी स्टार्टेड टू डू व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए अगर ट्रांसफर डिपार्टमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसका मार्केट ही नहीं है एग्जाम्पल जो मैंने दिया था शायद कि नाइकी कंपनी है वो कंपनी का एक डिपार्टमेंट सिर्फ जूते का सोल बनाता है ओके तो ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट ही नहीं है अगर ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट ही नहीं है ट्रांसफर विल ऑलवेज हैपन। एट डिपार्टमेंट्स

All other things we ignore just for some time and then we try to be saying agar quality waisa hi bana jo hona agar you have saved something for the company and whatever you save uska percentage will give you as bonus. But then this division will be only treated as a cost center not as a profit center please. चीके? In such cases performance of the department is evaluated based upon cost savings against a budget. Fir uske part B. ट्रांसफर डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड लाइक प्रॉफिट सेंटर ओके प्रॉफिट सेंटर मतलब अब से जब भी ये वाला डिपार्टमेंट गुड्स बनाएगा और दूसरे डिविजन को देगा इट विल नो लॉन्गर बी ट्रांसफर एट कॉस्ट इल बी ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस मार्कअप दिस प्राइस इज गुट बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस तो ये वाले डिपार्टमेंट का सेल्स आएगा ये वाले डिपार्टमेंट का कॉस्ट आ जाएगा डिफरेंस विल बी प्रोफिट अगर ऐसा करेंगे तो वी से दैट देर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट सेंटर्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज एवरी मैनेजर विल बी इंक्लाइन टू इंक्रीज द सेल्स एंड टू डिक्रीज द कॉस्ट ओके तो डिक्रीज द कॉस्ट शायद कॉस्ट सेंटर्स के अंदर भी होता था बट इंक्रीजिंग द सेल्स विल स्टार्ट टू हैपन इफ द डिजन आर गुन बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर्स तो वट आर द मेथड टू ट्रांसफर फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस ओके मार्केट प्राइस मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस वट एवर इज द प्राइस इन द विल बिकम ट्रांसफर प्राइस अगर ऐसा होगा तो एक चीज जरा याद रखना यहां पर डिवीजन के बीच में झगड़े बहुत कम होने वाले हैं क्यों झगड़े यहां पे कम क्यों होंगे बिकॉज अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी मार्केट प्राइस है दिल बिकम द ट्रांसफर प्राइस तो यहां पे कुछ नेगोशिएशन वगैरह का गुंजाइश ही नहीं होता अगर कभी ये वाला मेथड दोनों डिविजन से एग्री कर लिया द थिंग्स विल भी क्वाइट ईजी एज सच लेकिन यहां पे ट्रांसफर री डिपार्टमेंट को कभी कभी लग सकता है यार ही इज सेलिंग द मार्केट एट द सेम प्राइस ही सेलिंग टू मी आल्सो एट द सेम प्राइस अनफेयर है मेरे को थोड़ा बहुत कम प्राइस के ना तो वो देना चाहिए ओके यू कैन ट्रांसफर द थिंग्स एट वेरिएबल कॉस्ट तो जो भी फर्स्ट डिविजन का वेरिएबल कॉस्ट है ट्रांसफर एट दैट ओनली अगर ऐसा होगा तो ट्रांसफर री डिविजन विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि इट इज गेटिंग गुड्स एट द कॉस्ट एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिविजन बट ऑब्वियसली डिसडवांटेज ट्रांसफर रर डिपार्टमेंट विल नॉट एग्री ओनली उसके बाद यू कैन ट्रांसफर एट टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट का मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस योर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इन दिस केस योर वेरिएबल कॉस्ट तो यहां पर तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट 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 भी बट देन इज इज नो प्रॉफिट ओके ओके एक सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर प्लस सम परसेंटेज ऑफ एंड दिस ऑल्सो कॉल्ड एज टू पार्ट प्राइजिंग मेथड जहां पर एक वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वाला और एक लम सम वाला पार्ट है दैट इज फिक्स कॉस्ट वाला अगर ऐसा होगा तो मैंने ये वाला चीज़ क्लासरूम के अंदर डिस्कस किया था जितने भी यूनिट्स ट्रांसफर होंगे इनटू वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक लमसम फिगर फॉर फिक्स कॉस्ट ये वाला मेथड शुरू में ठीक है लेकिन अगर बाद में यूनिट्स बढ़ जाएंगे या फिर यूनिट्स कम हो जाएंगे इट माइट बिकम एडवांटेजेस फॉर वन डिपार्टमेंट एंड डिसएडवांटेजेस फॉर द अदर डिपार्टमेंट ठीक है आगे ड्यूअल प्राइसिंग मेथड ड्यूअल प्राइसिंग मेथड इज फॉलोड वेन एवर थिंग्स आर इन सच अ चीज जहां पे दोनों लोगों का लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा है फर्स्ट डिवीजन मार्केट के ना गुड्स बेच सकता था मार्केट से पैसा कमा सकता था सेकंड डिवीजन बोलता है कि नहीं यार मेरे को तो सस्ते के अंदर ही चाहिए वरना मेरा जो कंपनी है मेरा जो डिपार्टमेंट है वो काम ही नहीं कर सकता इन दैट केस हम लोग फर्स्ट डिवीजन को बोलते हैं जब भी तेरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे ना वी विल राइट डाउन ओवर देयर द मार्केट प्राइस लेकिन जब भी दूसरे डिवीजन का तुम लोग यहां पे इनकम स्टेटमेंट बनाओगे वहां पे कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड एज वेरिएबल कॉस्ट ओके तो फर्स्ट डिविजन भी खुश कि उसकी वैल्यूएशन के ना मार्केट प्राइस आ रहा है सेकेंड डिविजन भी खुश कि इन दिस केस उसके पास यहाँ पर जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट ओके अगर ऐसा होगा दिस विल बी कॉल्ड एज ड्यूल प्राइसिंग मेथड ठीक है एंड दिस मेथड इज ओनली टू बी फॉलोड इफ सपोज

तो क्या करो यहां पे कोई ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड मत डिसाइड करो इन एडवांस फर्स्ट डिवीजन विल ट्रांसफर द गुड्स टू द सेकंड डिवीजन सेकंड डिवीजन विल सेल द गुड्स इन द मार्केट देयर बाय विल अर्न सम प्रॉफिट ये प्रॉफिट दोनों डिविजन के लिए डिवाइड कर दो इन वॉट रेशो अगर कोई प्री डिटर्मिनट रेशो है से फोर्टी सिक्सटी देन यू कैन गो फॉर दैट अगर सपोज प्री डिटर्मिन रेशो नहीं है यू कैन शेयर इट इन द रेशो ऑफ एक्चुअल कॉस्ट जो ये वाला चीज है ओके okay. लेकिन जरा याद रखना वन एवर यू गुन बी शेयर वन एवर यू विल शेयर इट इन द रिश ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वो डिसएडवांटेज क्या है एवरी डिविजन वुड लाइक टू इंक्रीज द कॉस्ट टू गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ओके अगर वो वाला चीज नहीं चाहिए मैंने तुमको एक नया मेथड बोला था जो बुक्स के अंदर भी नहीं था कि यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्रॉफिट

नेगोशिएटेड और एग्रीमेंट थर्ड इज वेरी सिंपल सपोज फर्स्ट डिविजन टेल्स टू द सेकंड ट्रांसफर यू द प्रोडक्ट एट टेन रुपीज दूसरा बोलता है नहीं मेरे को नाइन रुपीज में देना पहला वाला डिपार्टमेंट बोलता है चल ठीक है तू नाइन नाइन पॉइंट फाइव में ले लेके सेकेंड डिविजन बोलता है यार नाइन पॉइंट फोर बोत हो गया उससे ज्यादा ए कांट अफोड फर्स्ट का डील अगर ऐसा होगा तो दिस इज नेगोशिएटेड मेथड ओके नेगोशिएटेड मेथड का एक रूल यू विल डू नेगोसिएशन फॉर अ सर्टन पीरियड लेट द ट्रांसफर प्राइस फॉर दैट पीरियड बी रिमेनिंग सेम कल को जो भी हो जाए वो वाला ट्रांसफर प्राइस नहीं बदलेगा ठीक है ये हो गया तुम्हारा इन दिस केस ये वाला पार्ट ठीक है फिर उसके बाद इफ सम ऑफर इज देयर बट द गुड्स हैव टू टू बी ट्रांसफर आवर ओन डिपार्टमेंट अगर सपोज फर्स्ट है बिजी है मार्केट के अंदर गुड्स वगैरह वो सप्लाई कर रहा है उसके पास बिल्कुल भी आइडल कैपेसिटी नहीं है दूसरा वाला डिवीजन बोलता है कि भाई एक काम जरा करना मेरे को भी तो गुड्स ट्रांसफर कर फर्स्ट डिविजन कहां से गुड्स वो बनाएगा उसके पास तो स्पेयर कैपेसिटी नहीं सो सोल सेक्रीफाइस समथिंग इन द मार्केट एंड देन ट्रांसफर ऐसे केसेस के अंदर जरा सोचो फर्स्ट डिविजन मिनिमम 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 कितना चार्ज करना चाहेगा सो देयरफॉर दिस शुड बी नथिंग बट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वो कितना चार्ज वो करना चाहेगा एक तो वेन एवर इट विल प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिविजन उसका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा होगा वो तो लिखना ही पड़ेगा प्लस इन दिस केस कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लग रहा है तो भाई वो तो लिखना ही पड़ेगा वो तो अपने खर्चे हो रहे हैं प्लस अगर फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन को सप्लाई कर रहा है तो वो मार्केट से कुछ ना कुछ लूज कर देगा वो भी अपने को यहां पर लिखना तो पड़ेगा ही सो दे फोर इट विल बी इन दिस केस योर वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम फिक्स कॉस्ट जो भी स्पेसिफिक है प्लस ऑपरचुनिटी कॉस्ट ठीक है याद रखना देर विल बी फाइट्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एज हाइएस्ट प्रॉफिट ऑफ वन डिपार्टमेंट विल ऑलवेज लीड टू द लीज प्रॉफिट फॉर द अदर डिपार्टमेंट तो दुनिया में आइडियल ट्रांसफर प्राइस करके कुछ नहीं होता दट इज आइडियल ट्रांसफर प्राइस आगे इनकम टैक्स इज ऑफ नो यूज वेन ट्रांजेक्शन हैपन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स इट विल बी ऑफ यूज वेन देर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड कंपनीज ओके इनकम टैक्स तब नहीं आता जब आप लोग एक ही पैन नंबर के बारे में बात करते हो अगर आप अलग अलग पैन नंबर के बारे में बात करते हो तब वो वाला चीज आ जाता है ठीक है ये हो गया तुम्हारे जो भी वगैरह है टोल्ड फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे ओके okay, अभी हम लोग क्वेश्चन का समरी करते हैं तो इसके बाद जब अपने क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन नंबर वन वॉज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन इनफैक्ट वो वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोग को वो बता दिया था बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर ऑल्सो ताकि वाई इज ट्रांसफर प्राइसिंग रिक्वायर्ड ओके सो इट वॉज जस्ट अ कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन वहां पर और कुछ वगैरह वो नहीं था सेम वे जो हमारा क्वेश्चन नंबर टू था वाज़ ओनली पुट फॉर वन पर्टिकुलर रीजन ताकि आई कैन ट्राई टू टीच यू हाउ टू अ मेथड विच इज शेयर नेट प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ कॉस्ट और वहां पे हम लोगों ने दो चीजें किया शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड शेयर द प्रोफिट इन द रेश ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट वी डिड दो बस यही दोनों चीजें मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है

question number two, it was just a question that tells you how does standard net profit in the ratio of cost method works, what are the disadvantages. departments would like to increase the cost to get more share in profit. so after discussing this, then we uh, introduce a new method. if a company will follow a standard costing, we can use a better method whereby departments will be forced to reduce the cost to get more share of profit. Wo wala method, kaise kaam you all are aware of that. now, take

मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेच देता है ऐसे के, के बस अपने को यही वाला चीज वो पूछा था कि मेक इनकम स्टीटमेंट बेस्ड अपॉन टू क्राइटेरियाज मार्केट प्राइस मेथड मार्केट प्राइस मेथड का मतलब क्या होगा जिस रेट पे खाली बॉटल्स मार्केट के अंदर बिकेगा that will be the price और वो अपने को इधर यहां पर दिया हुआ था ओके दैट वॉज वन थिंग उसके बाद इन दिस केस यहां पर एक और चीज भी था एंड दैट वॉज एक शेयर प्रॉफिट इन द रेश ऑफ कॉस्ट भी फॉलो करो तो हम लोगों ने क्या किया पूरी कंपनी का पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकाला ठीक है याद रखना डिफरेंट मेथड्स विल लीड टू डिफरेंट प्रॉफिट्स अमंग द डिपार्टमेंट्स कंपनी का प्रॉफिट सेम ही रहेगा तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट आया था वो हम लोगों ने दोनों डिविजन्स के ने डिवाइड कर दिया इन द रेश ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओके और दोनों डिविजन्स का जो एक्चुअल कॉस्ट था फर्स्ट डिविजन जो था बेटा तो वो बॉटल बनाता है उसका कॉस्ट टेन लाख फोर्टी था दूसरा डिविजन जो है वो प्रोडक्ट बनाता है उसका कॉस्ट एट लाख बॉटल्स के लिए इतना था आपको पूरा क्वेश्चन दो बार अलग अलग सॉल्व करने का था वंस बेस्ड अपॉन एट लाख बॉटल्स वंस बेस्ड अपॉन ट्वेल्व लाख बॉटल्स ठीक है उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर जो था ना एक्जैक्टली exactly सेम एज क्वेश्चन नंबर थ्री होनी वहां पर कोई भी चेंज वगैरह वो नहीं था सिर्फ नंबर वगैरह वो अलग थे सो दैट्स वाई दैट क्वेश्चन वी ऑल लेट के फॉर होमवर्क ओके जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव था और uh, जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर था ठीक है सो इट वॉज अ होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन सो के स्टार रेटिंग वन इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन यू यू शुड गेट इट इन केस डू नॉट देन प्लीज चेक द आंसर ऑन द वेबसाइट ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव जो आप लोग का था ओके okay, वो ऑब्वियसली अपना क्लास वर्क का ही तो वो क्वेश्चन था लेकिन यहां पर कुछ ऐसा था फर्स्ट कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती है ओके सॉरी फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी कोई ना कोई वो प्रोडक्ट बनाता है उसका वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है उसने कुछ ना कुछ ट्रांसफर प्राइस अपने दिमाग में वो सोच के रखा हुआ है टू नाइनटी सेवन ओके सेकेंड डिविजन का खुद का एक वेरिएबल कॉस्ट है जो टू जीरो टू पॉइंट फाइव है ओके okay. वो लोग फर्स्ट फर्स्ट डिविजन से प्रोडक्ट वगैरह वो खरीद लेते हैं एंड देन इन इन दिस पर्टिकुलर केस दे सेल इट ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 540 है सेकंड डिवीजन कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट एट अ चीपर प्राइस ऑफ 270 वो लोग मार्केट से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं फर्स्ट डिवीजन उसको महंगे के अंदर दे रहा है टू में लेकिन वो लोग मार्केट से खरीद सकता है टू तुमको फर्स्ट केस के अंदर क्या बोला था कंपनी के लिए क्या अच्छा है कि सेकेंड डिविजन फर्स्ट डिविजन से खरीदे कि मार्केट से खरीदे अगर फर्स्ट डिविजन से खरीदेगा ना यू माइट से टू नाइन्टी सेवन का पड़ेगा बट यू आर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवैल्यूएट करते हो ना ट्रांसफर प्राइसिंग इज ब्लड यूजलेस तो कंपनी को खर्चा कितने रुपीज़ का होगा फर्स्ट डिविजन का वेरिएबल कॉस्ट टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव था अगर यही वाला चीज मार्केट से खरीदते हैं तो अपने को टू सेवेंटी में पड़ता है

पार्ट टू के ना उन लोगों ने क्या बोल दिया कि अगर एक्स वाई को सप्लाई नहीं करेगा ना वो आइडल नहीं बैठेगा कुछ ना कुछ यहां पे और काम करके पैसा कमा लेगा फिर हम लोगों ने फिर से इनकम स्टेटमेंट बनाया टू तो फाइंड आउट विच इज बेटर ऑप्शन ठीक है थर्ड पर्टिकुलर थिंग थर्ड के अंदर ये जो मार्केट का प्राइस है ना टू सेवेंटी दैट इज फॉलन डाउन बाय कुछ ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव ओके तो ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव से कम हो जाता ना फिर ये वाला प्राइस टू फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव हो जाता है दिस इसी के लिए इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर वाई के लिए अच्छा है कि फिर वो मार्केट से खरीद ले इट इज फार 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 बेटर ओके क्योंकि दिस प्राइस हैज फॉलन बिलो दिस आल्सो फिर आप उन लोगों ने ना यहां पर जब पार्ट फोर किया था ना जब पार्ट फोर किया था

वो हमेशा खुद का वेरिएबल कॉस्ट होता है प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है फर्स्ट केस के ना खुद का वेरिएबल कॉस्ट 256.5 था थर्ड केस के ना भी 256.5 था लेकिन सेकेंड केस के अंदर अगर फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन को सप्लाई करेगा 256.5 का खर्चा तो हो ही जाएगा प्लस इट विल लूज एन ऑपरचुनिटी ऑफ वो ये फाइव तो हम लोग उस चीज को स्प्रेड कर लिया ओवर द 2500 यूनिट्स और फिर अपने को यहां पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ गया सो दे फॉर पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ना वी ऑलवेज वांट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अनलेस एंटिल प्रॉफिट मार्जिन टू यू बस मैंने यही वाला चीज यहां पर भी लिखा हुआ है पढ़ो जरा प्लीज वेन प्रॉब्लम सेज थिंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इग्नोर ट्रांसफर प्राइस वेन प्रॉब्लम सेज टू फाइंड आउट द ट्रांसफर प्राइस अनलेस द प्रॉब गिवस अ प्रॉफिट मार्जिन ट्रांसफर प्राइस मीन्स मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट दैट बिलो वट प्राइस इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द डील ओके तो वो वाला प्राइस सोच लेने का जिसके नीचे हम लोग कभी यहां पर डील कर ही नहीं सकते वो वाला प्राइस इज नाथिंग बट द मिनिम ट्रांसफर प्राइस याद रखना एक चीज मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज ऑलवेज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट दैट विल इंक्लूड एनी वेरिएबल कॉस्ट दैट विल इंक्लूड एनी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट एंड दैट विल इंक्लूड एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं तो मैं मार्केट के अंदर नहीं सप्लाई कर रहा हूं तो जो वहां से लूज हो रहा है मेरे को सेकेंड डिविजन से ही रिकवर करना पड़ेगा ठीक है लेकिन ये वाला कॉस्ट तभी आता है जब आप बिजी थे और जब आप मार्केट के अंदर गुड्स बेच सकते थे अगर सपोज आप लोग फ्री बैठे हुए थे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आने वाला है ठीक है ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स जो था इन दिस केस लाइक इट वाज क्वाइट अ इजी क्वेश्चन दट एफ केफ फॉर होमवर्क ओनली ओके यहां पे बस यू हैड टू ट्राई टू फाइंड आउट लाइक यू नो कि हर केसेस के अंदर यहां पे व्हाट शुड बी द प्राइस अपन सोन वगैरह ओके तो इट वॉज अ इजी क्वेश्चन तुम लोग को आंसर जो है बेटा वो मिली जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर सेवन अपना वो आ गया था जो क्वेश्चन नंबर सेवन अपना था ना दैट वॉज अ क्वेश्चन जहाँ पे बहुत सारे सॉरी uh, एक आई कंपनी है ओके okay, सॉरी uh, एक कंसल्टेंसी कंपनी है उसके दो डिविजन हैं एक आई टी डिविजन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंसल्टेंसी देता है टू द मार्केट ऑल्सो एंड टू इंटरनल डिविजन ऑल्सो ठीक है उसका प्राइस जो है पर कंसल्टिंग डे मतलब मार्केट के अंदर वो जो चार्ज करता है दैट इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर वन कंसल्टिंग डे अभी आई टी डिविजन के पास तीन टीम्स था बेटा ओके

उन लोगों को क्या चाहिए कि दो टीम्स हम लोग को वो सर्विसेज वो प्रोवाइड करें फॉर अ पीरियड ऑफ 48 वीक्स हर एक वीक के ना पांच वर्किंग डेज ठीक है और ये वाला जो डिवीजन है ऐसा सोचता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन के साथ नेगोशिएट करेगा लेकिन फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं नहीं यार हम लोग बाहर वालों को फोर्टी फाइव हंड्रेड चार्ज करते हैं तुमको भी फोर्टी फाइव हंड्रेड ही चार्ज करेगा एक और लास्ट चीज जब भी इंटरनल ट्रांसफर होएगा ना तो फर्स्ट डिवीजन का वेरिएबल कॉस्ट दो सौ रुपए से कम हो जाता है ठीक है अभी ये सम देने के बाद अपने को ऐसा बोला गया था सेट द ट्रांसफर प्राइस यहां पे भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिए हुए थे सो so, ट्रांसफर 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 प्राइस 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 विल मीन मिनिमम मिनिमम और इन दिस केस वो कैसे मिलेगा इल बी द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिविजन कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिविजन मतलब उसका वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी स्पेसिफिक ऑपरचुनिटी कॉस्ट प्लस एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पार्ट वन के अंदर अपने को क्या बोल दिया था दैट फर्स्ट डिविजन के पास तीन टीम्स हैं और तीनों टीम्स बिजी है मार्केट के अंदर लेकिन ऑब्वियसली अपने को अभी दो टीम्स दूसरे डिवीजन को वो भेजना पड़ेगा बस आप लोग क्या कर दो ये मत बोलना सर वी विल नॉट ट्रांसफर वी ऑल आर बिजी ऐसा नहीं होता बेटा यू ट्रांसफर होनी तभी तो ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए बोला है तो फर्स्ट डिवीजन जब ही सेकेंड डिवीजन को ट्रांसफर करेगा तो खुद का वेरिएबल कॉस्ट तो दिमाग में रखेगा दैट वाज यूजुअली वन फोर फोर जीरो लेकिन दो सौ रुपए से कम हो जाता है जब हम लोग इंटरनली किसी को कंसल्टेशन देते हैं तो वन टू फोर जीरो प्लस अगर इस डिवीजन ने उस डिवीजन को कंसल्टेंसी दिया तो वो मार्केट के ना कंसल्टेंसी नहीं दे पाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर जो है तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन लूज हो जाएगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन लूज करके हम लोगों ने यहाँ पर आंसर फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड निकाल दिया था फिर उसके बाद पार्ट टू के अंदर क्या था अपने पास तीन में से एक टीम जो है बेटा वो स्पेयर था ठीक है तो जो टीम स्पेयर था वो तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे उसके लिए अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा और जो टीम स्पेयर नहीं था उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा फिर उसके बाद पार्ट थ्री जो है इन दिस केस कोई अपने पास एक मार्केट से ऑफर वो आया हुआ है यही दो टीम्स के लिए जो टेक्सटाइल डिवीजन को चाहिए ठीक है देन इन दैट केस वी आर टू बी सेइंग कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा तो आप लोग पहले निकाल लेने का कि मार्केट के अंदर अगर कंसल्टेशन देते अपने को कितने का आ, वो रेवेन्यू मिलता और अपना खर्चा कितने का होता तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था अभी इफ़ यू विल बी ट्रांसफरिंग टू टीम्स ओवर दे तो सबसे पहले अपना वेरिएबल कॉस्ट तो लिख ही लेना वो वन टू फोर जीरो प्लस मार्केट से कितना कंट्रीब्यूशन लूज करने वाले हो यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर फिगर एज ऑपरचुनिटी कॉस्ट ठीक है ये हो गया था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट स्टार्ट किया था ये जो क्वेश्चन नंबर एट तुम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डिवीजन है ना वो बाइसिकल का फ्रेम बनाता है सेकेंड वाला जो डिवीजन है बाकी साइकिल बना देता है एक्सेप्ट द बाइसिकल फ्रेम ठीक है जो बाइसिकल है वो थ्री थाउजेंड रुपीज के अंदर बिकता है फर्स्ट डिवीजन का खुद का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बारह सौ रुपए का है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड डिवीजन का जो खुद का कॉस्ट है वो पंद्रह सौ रुपए का है सो टेक्निकली बाइसिकल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 300 लेकिन एक पंगा है ये लोगों ने ट्रांसफर प्राइस ना थोड़ा सा अजीब रखा हुआ है ये लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस विल बी लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द सब सब असेंबली असेंबली मतलब पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जो फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट बनाता है बोले तो बाइसिकल फ्रेम ठीक है तो ये लोगों ने ट्रांसफर प्राइस को ना मार्केट प्राइस रखा और मार्केट प्राइस फ्रेम का दो हजार रुपए है फर्स्ट डिविजन जब मार्केट के अंदर गुड्स बेचता है ना एट टू थाउजेंड रुपीज वो आठ सौ रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है जब उस दूसरे डिविजन को भी बेचता है ना तो वो टू थाउजेंड रुपीज के अंदर ही ट्रांसफर होता है ठीक है तो तब भी वो आठ सौ रुपए तो कमा लेता है लेकिन सेकंड डिवीजन के लिए थिंग्स आर बिकमिंग वेरी बैड क्योंकि फर्स्ट डिवीजन से बी बाइंग एट उसके बाद उसका खुद का खर्चा हो फिटीन हंड्रेड टोटल कॉस्ट बिकम थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंडस टू सेल द बाइसिकल इन द बाइसाट थ्री थाउजेंड तो सेकंड वाला जो डिपार्टमेंट है ना वो बहुत उदास है क्योंकि उसको लॉस हो रहा है बहुत तगड़ा तो पार्ट वन के अंदर उन लोगों ने क्या बोला था कि अगर सपोज यहां पे मार्केट का सेल्स फर्स्ट डिवीजन का थाउजेंड यूनिट्स पर मंथ है ठीक है सॉरी अगर फर्स्ट डिवीजन का जो कैपेसिटी है वो थाउजेंड यूनिट्स पर मंथ है एंड फर्स्ट डिवीजन के सेल इन द मार्केट एट हंड्रेड यूनिट तो बाकी दो सौ यूनिट के साथ क्या करना चाहिए तो तब मैं तुम लोग को ये वाला चीज बोल दिया था उन लोगों ने ये नहीं बोला किसके एंगल से रिप्लाई करो तो मैंने तीनों एंगल से रिप्लाई कर दिया डिवीजन ए ऐसा काम करना चाहेगा क्योंकि उसको आठ सौ रुपए का प्रॉफिट होगा डिवीजन बी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको पांच सौ रुपए का लॉस हो जाएगा कंपनी ऐसा काम जरूर करना चाहेगा क्योंकि कंपनी को बेटा तीन सौ रुपए का प्रॉफिट होता है क्योंकि जब आप लोग कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी निकाली हो ट्रांसफर प्राइस को इग्नोर कर देना ठीक है थेके? फिर उसके बाद एट वट ट्रांसफर प्राइस वट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ मैनेजर ऑफ डिविजन बी शुड बी मोटिवेटेड अभी क्या है कि ना जब एक डिविजन दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करता है तो बेटा वो ना यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह तो कमा ही लेता है ठीक है लेकिन दूसरे डिवीजन को कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो अभी बोलो क्या बोलते कुछ ना कुछ एक ऐसा प्राइस बोलो ताकि डिवीजन बी का मैनेजर थोड़ा बहुत तो मोटिवेटेड हो तो हम लोग फिर क्या सोच लिया जब एक बाइसिकल बिकता है ना तो यहाँ पे तीन रुपए का प्रॉफिट देके जाता है पूरी कंपनी को लेट दिस तीन सौ रुपया भी डिवाइडेड अभी उसके अंदर आर ओपिनियन वॉज डिवाइडेड कई लोग बोलते हैं सर डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ कॉस्ट ओके कई लोग बोलते हैं सर इक्वली डिवाइड करेंगे सर तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फिर ट्रांसफर प्राइस निकाल दिया था ठीक है अच्छा पार्ट थर्ड के अंदर ना फर्स्ट डिवीजन का कैपेसिटी हजार था अभी मार्केट के अंदर डिमांड भी हजार का हो गया है तो अभी हम लोग ऐसा वो सोचता है कि ना क्या किया जाए शुड फर्स्ट डिवीजन डिविजन एक्स्ट्रा टू हंड्रेड यूनिट इन द मार्केट और शुड इट सेल इट टू बी तो हम लोग सोचता है अगर सपोज हम लोगों ने डायरेक्टली मार्केट के अंदर दो सौ यूनिट एक्स्ट्रा बेच दिए तो फर्स्ट डिविजन एज वेल एज दंपनी आठ सौ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आठ सौ कैसे आया दो हजार रुपए का सेलिंग प्राइस बारह सौ रुपए का वेरिएबल कॉस्ट तो ये लोग जो है ना वो लोग आठ सौ रुपया कमा देगा लेकिन अगर सपोज डिविजन ए ने डिविजन बी को ट्रांसफर किया ठीक है तो फिर डिविजन बी जब साइकिल बेचेगा तो कंपनी सिर्फ तीन सौ रुपए ही कमा पाएगा सो इज ग्रेटर देन दैट इज वाई वी टोल्ड कि भाई फ्रीनी मार्केट के अंदर जाओ ठीक है वो अपना इस पार्ट थर्ड का आंसर था लेकिन यहां पे मैंने के एक, एक, एक एक्स्ट्रा पार्ट डाल दिया था जो ऑरिजिनल क्वेश्चन के ना नहीं था ऑफर योर कमेंट्स अगर फर्स्ट डिवीजन ये वाले 200 सौ यूनिट भी मार्केट के ना बेच देते हैं ना मतलब सेकंड डिवीजन को कुछ ट्रांसफर ही नहीं होएगा जब सेकंड डिवीजन को कुछ भी ट्रांसफर नहीं होएगा तो जरा सोचो सेकंड डिवीजन क्या करेगा तो हम लोग बोल देते हैं वो लोग बाइसाइकिल बनाना बंद कर देगा तो कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट दैट इज बाइसाइकिल्स Which is essentially actually a B2C product, okay? Will stop over here. Which in long run could have become a big product, okay? So that is what we all have told in the comments. Or याद रखना, आपका जो bicycle frame है ना, that will be mainly a B2B product. आप लोग उन companies को supply करता होगा, okay? जो लोग basically bicycles बनाते हैं, लेकिन frame नहीं बनाता, तो हमारे बहुत कम customers होंगे, लेकिन हर एक customer से तुम लोगों को अच्छा business मिलता होगा. Tomorrow अगर these customers जो लोग अभी तक फ्रेम नहीं बनाते अगर फ्रेम बनाना स्टार्ट कर दिया मेरा तो धंधा चौपट ही हो जाएगा दैट्स वी आर कि लाइक यू नो इट इज नॉट अ बैड डील कि आप लोग बाइसिकल्स वाला मार्केट छोड़ो नहीं ट्राई टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर मार्केट ठीक है ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का ना एक बार ना मैं बस शॉर्ट्स वगैरह वो पढ़ देता हूं ठीक है मैंने पिछले क्वेश्चन का वो नहीं पढ़ा बट दैट्स ओके फर्स्ट डिवीजन मेक्स बाइसिकल फ्रेम इट इज मेनली अ बी टू बी प्रोडक्ट सेकेंड डिवीजन

तो यहां पे जरा देखो क्या लिखा हुआ है सो इन द लास्ट पार्ट इफ यू हैव टू सिलेक्ट देन इट इज बेटर टू सेल फ्रेम देन अ अकल बट देन वी वर आस्ट फॉर कमेंट्स ऑल्सो जब ये कमेंट्स के लिए हम लोगों ने वो पूछा था तो मैंने वही वाला बात किया कि अगर आप लोग बाइसिकल फ्रेम सारा का सारा मार्केट के अंदर ही बेचोगे तो तुम्हारा बाइसिकल नहीं बनेगा तो यो गुन बी लूजिंग आउट अ प्रोडक्ट विच इन फ्यूचर वुड है वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ठीक है ये तुम्हारा जो था क्वेश्चन नंबर एट था फिर उसके बाद अपना यहां पे क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी क्वेश्चन नंबर नाइन आ गया था नो दिस वॉज काइंड ऑफ अ केस स्टडी क्वेश्चन जहां पे कोई एक आदित्य ग्रुप है उसके दो सब्सिडरी कंपनीज हैं एक्चुअली अगर दो कंपनीज होती हैं सो इनकम टैक्स शुड कम लेकिन सम के अंदर उन लोगों ने एंड के अंदर अपने को बोल दिया था कि इग्नोर टैक्सेशन ऐसा किधर ना किधर था मेरे ख्याल से इग्नोर टैक्स इंप्लीकेशन तो इसलिए यहां पे हम लोगों ने टैक्स के बारे में बात नहीं किया है ठीक है यहाँ पे दो कंपनीज हैं वन इज इन दिस केस ए कंपनीस जेड कंपनी जो एक नॉर्मल गुड्स बनाता है फिर ये जो ए एन जेड सॉरी फिर उसके बाद ये जो ऑज लिमिटेड है ओके okay, ये वाली जो दूसरी कंपनी है ये प्रीमियम गुड्स बनाता है और कभी कभी क्या होता है ये वाली जो कंपनी है इस कंपनी से गुड्स लेके उसको एनहेंस करता है दैट इज वाई ट्रांसरप्राइज विल स्टार्ट टू बी कमिंग अभी इस क्वेश्चन के ना क्या हुआ इस कंपनी को एक ऑफर आया है उस ऑफर के अंदर यू हैव टू बी कोटिंग द लीस्ट कोटिंग द लीस्ट मतलब आप लोग अपनी कॉस्ट से कम तो कभी कोट नहीं करोगे तो आप लोग अपना कॉस्ट तो निकालो कॉस्ट बोले तो रेलिवेंट कॉस्ट हम लोगों ने फिर रेलिवेंट कॉस्ट निकालना स्टार्ट किया ये जो रेलिवेंट कॉस्ट था इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जो थे बेटा वो सिंपली एडजस्टमेंट थे देर वॉज नथिंग मच ओके बट फ्यू थिंग्स है सर okay, तो सबसे पहले एक यहां पे Uh, ये वाली जो कंपनी है जिसको ऑफर आया है वो ऑज उस लिमिटेड उसको एक मटेरियल का 40 टन चाहिए दिस मटेरियल इज़ रेगुलरली इन यूज अगर रेगुलर यूज है सो दे फॉर योर रेलिवेंट कॉस्ट विल बी करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्योंकि आप लोगों को खरीदना पड़ेगा फिर उसके बाद कुछ एक मटेरियल्स ऐसा होने वाला है जो अपने को दूसरी कंपनी से चाहिए आप लोग मार्केट से भी खरीद सकते हो इसको उन लोगों ने कंपोनेंट्स वगैरह बोला है तो अपने को 4000 कंपोनेंट्स चाहिए मार्केट से खरीदोगे तो 15 का पड़ेगा तो इन ऑल 60000 लेकिन अगर फर्स्ट कंपनी से खरीद लोगे वो जो ए एन जेड है ठीक है तो ट्रांसफर प्राइस विल नॉट मैटर सो फोर थाउजेंड इंटू एट रुपीज इज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिविजन सो ए फोर थाउजेंड इंटू एट विल बी थर्टी टू थाउजेंड लेकिन उन लोगों ने क्या बोला है फर्स्ट डिविजन के पास उतना स्पेयर कैपेसिटी नहीं है अगर उन लोगों ने फिर भी इस कंपनी को सप्लाई किया तो वो लोग एक 50,000 सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट लूज कर देंगे उसके ऊपर तो बीस हजार रुपया कमाने वाले थे तो फर्स्ट डिवीजन जब सेकेंड डिवीजन को ट्रांसफर करेगा सोचो उसका खर्चा कितना होगा 4,000 हजार यूनिट्स इंटू एट प्लस ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड थाउजेंड और सामने बोल दिया था ये जो ऑज लिमिटेड है या वो पूरा का पूरा चार हजार यूनिट मार्केट से खरीदेगा कॉस्ट विल बी सिक्सटी थाउजेंड या फिर पूरा का पूरा यूनिट जो है वो दूसरी कंपनी से खरीदेगा कॉस्ट इज फिफ्टी टू वी विल बी डूइंग वट एवर इज लोअर सो 52,000 वाज बेटर ऑप्शन ठीक फिर उसके बाद इन दिस केस जो लेबर वाला पार्ट है वो सिंपल था जो लेबर वाला पार्ट है लेबर वाज़ इन शॉर्ट सप्लाई सो योर रेलेवेंट कॉस्ट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम लोग माय वे से, से भी कर सकते थे और यहाँ पे आई के मेथड से भी कर सकते हो एक बस चीज़ वो बोल देता हूँ वेज रेट इज रुपीज फाइव पर आर तो फाइव रुपीज़ का अपना खर्चा प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर वो आ जाएगा अभी अगर वर्कर इस ऑफ़र के लिए यूज़ नहीं होता अगर ऑफर इस ऑफर अगर जो लेबर है इस ऑफ़र के लिए यूज़ नहीं होता तो वो प्रोडक्ट जी बना लेता जी का एक यूनिट जब बन के बिक जाता 24 का कंट्रीब्यूशन आता लेकिन 24 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए एक यूनिट बनाकर बेचना पड़ता जिसके लिए चार घंटे लगते सो ट्वेंटी अपॉन फोर विल बी गिविंग यू सिक्स पर आर सिक्स पर आर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फाइव रुपीज सो so देवन रुपीज वॉज योर टोटल रिलेवेंट कॉस्ट चाहे आप लोग माई मेथड से करो चाहे आप लोग आईसीए के मेथड से करो ठीक है फिर उसके बाद ना यहाँ पर कुछ ऐसा भी था कि ना ये वाली जो कंपनी है ये वाली जो कंपनी है उसको एक मशीनरी भी चाहिए रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये वाला मशीन आप लोग भाड़े पे ले सकते हो पंद्रह हजार रुपए का खर्चा सेकेंड ऑप्शन आज एक मशीन खरीद लो एक साल के बाद बेच देना तो फिफ्टी थाउजेंड में खरीद लेना थर्टी थाउजेंड के ना बेच देना सो नेट कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड एक और थर्ड इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी था क्या था आज खरीद लो फिफ्टी थाउजेंड में एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करो एक साल के बाद इसको मॉडिफाई और करवा लेना पांच हजार रुपए का खर्चा करके उसके बाद दिस मशीन विल बिकम ऑल्टरनेट ए मशीन जिस मशीन का खर्चा फोर्टी फाइव थाउजेंड का था तो जरा सोचो अगर ऐसा हुआ तो अपना नेट कॉस्ट दस का होगा नेट कॉस्ट दस का कैसे पचास का आज का खर्चा पाँच हज़ार रुपये का एक साल का खर्चा ओके okay, एक साल के बाद का खर्चा, और फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ अपना बच जाएगा सो आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शन फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड वॉज लीस्ट वन विल बी गोइंग फॉर दैट, ठीक है इन एनी केस तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लगी ही जाएगा सुपरवाइजर का सैलरी वगैरह को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सामने अपने को वो दिया हुआ था बस उसको बोनस देंगे एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट तो वो वाला चीज़ आप लोग ले सकते हो डेवलपमेंट कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका था सो दे इट वॉज अ संग कॉस्ट उसके बाद एब्जॉप्शन तो वैसे भी यूजलेस ही था ये सब कुछ सोच सोच के अपने आंसर्स यहां पर वो आ गए थे पार्ट टू इंटरेस्टिंग पार्ट था कि ना वो लोगों ने क्या बोलता अगर आप लोग रेलिवेंट कॉस्टिंग यूज करते हो अगर आप लोग रेलिवेंट कॉस्टिंग यूज करते हो वट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू ऑल विल बी फेसिंग प्रॉब्लम एट यू ऑल विल भी फेसिंग इन दिस पर्टिकुलर केस विल भी एक तो आपका प्राइस बहुत कम हो जाएगा टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर तो बाकी कस्टमर्स भी बोल सकते हैं हमारे लिए भी प्राइस कम करो फ्यूचर के अंदर आप लोग शायद इस कस्टमर के लिए प्राइसेस बढ़ा नहीं पाओगे क्योंकि आप लोगों ने उसको इतना कम कोर्ट कर दिया दूसरा तुम्हारा ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना विल नेवर एवर मैच विद य फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला स्टेटमेंट बिकॉज दोज आर प्रिपेयर ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस तो अगर कुछ इधर प्रॉफिटेबल भी है ना तुम्हारे अकाउंटिंग के हिसाब से वो चीज लॉस हो सकता है देन योर शेयर होल्डर्स माइट स्टार्ट टू बी फीलिंग कि तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया एट अ लॉस वो एक दिक्कत है ठीक है बस हम लोगों ने वही वाली चीजें यहां पर भी लिखी हुई थी इट इज अ मिक्सचर क्वेश्चन ऑफ रेलवेंट कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग जस्ट फाइंड द रेलवेंट कॉस्ट फॉर दिस ऑफर एडजस्टमेंट फॉर मशीन एंड कॉम्पोन आर वेरी गुड आगे रेस्ट ऑल एडजस्टमेंट्स आर कवर्ड अप इन कॉस्टिंग अपने लिए कुछ भी न्यू नहीं था रीड द कमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन रेलिवेंट कॉस्टिंग तो ये दो कमेंट जो रिमेंबर देम इन प्रॉपर वे ठीक है टेन आगे. आगे, जो था अभी जो क्वेश्चन नंबर टेन था ये क्या था सुनो क्वेश्चन नंबर टेन जो था इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज uh, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पर ना देवर थ्री डिपार्टमेंट नॉट टू देवर थ्री डिपार्टमेंट्स ये जो थ्री डिपार्टमेंट्स है ना इन दिस केस एक हार्वेस्टिंग डिवीजन जो ऑयल मिल डिवीजन को ट्रांसफर करेगा ऑयल मिल डिवीजन जो आगे मार्केटिंग डिवीजन को ट्रांसफर करेगा ठीक है फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला था कि कंपनी का प्रॉफिट निकालो फिर हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसेस के बारे में बात भी नहीं किया ठीक है सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला था दो ट्रांसफर प्राइजेस उन लोगों ने दिए मार्केट प्राइस मेथड मार्केट प्राइस मेथड का मतलब क्या होगा हार्वेस्टिंग डिविजन मार्केट के अंदर किस रेट से गुड्स बेच सकता था दैल बिकम द ट्रांसफर प्राइस सेम वे ऑयल मिल डिवीजन मार्केट के अंदर किस प्राइस के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच सकता था दैल बिकम द ट्रांसफर प्राइस ठीक है ये एक मेथड था बहुत इजी था सेकंड वाला मेथड जो अपना था दैट वाज शेयर कंट्रीब्यूशन इन द रेशो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोगों ने फिर क्या किया पूरी कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला और उसको वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो के ने डिवाइड कर दिया ठीक है ये करने के बाद तुमको ट्रांसफर प्राइसेस भी बताने का था तो याद रखना ट्रांसफर प्राइस इज लाइक योर सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन एक चीज हमेशा याद रखना एक चीज हमेशा 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 याद रखना एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज वट एवर फर्स्ट डिपार्टमेंट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज इजी इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने उस रेशो के कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पर्टिकुलर डिविजन अपने को इस डिविजन का वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए और याद रखना इस डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वो वाला मटेरियल भी आएगा दैट फर्स्ट डिविजन इज ग्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट डिविजन वो चीज बहुत ज्यादा क्रूशल है तो याद रखना

मार्केट प्राइस मेथड एंड शेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रेश ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लीज डू रिमेम्बर ट्रांसफर सेल्स फर्स्ट डिपार्टमेंट इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट ठीक है अभी अपने को ना लास्ट वाले पार्ट के अंदर पार्ट थर्ड के अंदर क्या बोला था हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन सा मेथड यूज करना चाहेगा तो इन दैट केस हम लोगों ने प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाकर भी बता सकते हो कि जिधर प्रॉफिट ज्यादा होगा दैट मेथड विल भी बेटर या फिर हम लोगों ने शायद यहाँ पे तुमको एक शॉर्टकट भी दिया था आप लोग यहाँ पे दिमाग के अंदर भी सोच सकते हो किधर प्रॉफिट ज्यादा आएगा फर्स्ट डिवीजन के लिए जिधर ट्रांसफर प्राइस ज्यादा है दैट इज़ बेटर थर्ड डिवीजन के लिए जिधर ट्रांसफर प्राइस कम है इट्स प्रॉफिट विल बी हायर और सेकेंड डिवीजन के अंदर एक मेथड के अंदर ट्रांसफर प्राइस जो सेल्स था वो भी ज़्यादा था और वेरिएबल कॉस्ट कम था सो देो दैट वॉज अ शॉर्टकट मेथड टू बी नोइंग लाइक यू नो विदाउट मेकिंग द स्टेटमेंट विच मेथड इज़ बेटर ठीक है चलो उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, ऑल ऑफ देम वर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ना बस अपने को हर एक केस के ना एक ही चीज चाहिए था और वो चीज़ क्या था इन दिस केस ट्राई टू फाइंड आउट ट्राई टू बी फाइंडिंग आउट इन दिस केस कि वॉट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का एक ही फंडा होता है फर्स्ट ट्रांसफर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी ट्रांसफरिंग समथिंग टू द ट्रांसफर डिपार्टमेंट तो जितना भी गुड्स ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट पहले लिख देना दैट इज फर्स्ट थिंग अगर कुछ स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का खर्चा हो रहा है तो वो भी लिख देना एब्जॉर्ब्ड अमाउंट नहीं लिखना जो अमाउंट स्पेसिफिकली खर्चा हो रहा है वो लिख देना प्लस अगर कुछ भी तुम्हारा अमाउंट लूज होने वाला है इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला भी चीज़ लिख देना बस वंस यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग जो टोटल आएगा दैट विल बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इन दिस केस फॉर द फर्स्ट डिविजन उससे कम फर्स्ट डिवीजन को एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा यही फंडा यूज करके हम लोगों ने डिपार्टमेंट ए है इतना, 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 इतना लेकिन जो डिवीजन बी है वो क्या बोलता है कि आप मेरे को भी ना चार सौ यूनिट ट्रांसफर कर देना ठीक है तो वो उसको चार सौ यूनिट ट्रांसफर करेगा जब ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर प्राइस के बारे में बात आ जाएगा ठीक है याद रखना कि डिवीजन बी ट्रांसफर डिवीजन कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट एट चीपर प्राइस ऑफ 22 22 चीपर प्राइस इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट डिवीजन सेल्स इन द मार्केट एट 24 तो फर्स्ट डिवीजन मार्केट के ना एक्स वन जो है ट्वेंटी जो फोर में बेचता है सेकेंड डिविजन को एक्स ही चाहिए लेकिन वो मार्केट से बीस में सॉरी ट्वेंटी में किसी और से सस्ते के अंदर खरीद सकता है ठीक अभी तुम लोगों को क्या बोल दिया था कि ना सोल्व द क्वेश्चन इफ इफनीस फोर्टी एट हंड्रेड आवर्स ठीक है हम लोगों ने ना सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाया था कि अगर मार्केट डिमांड इतना इतना और इतना है इसको कंप्लीट करने के लिए कितने आर्ट्स की जरूरत है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो जरा सोच लो अगर ऑफर नहीं आता तो फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड आर्स आर हायर देन दिस ईयर सो आर रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी तो हम लोग सब कुछ नहीं बना सकते थे तो आप लोग रैंक दे देना बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर और उसके हिसाब से निकाल लेना कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने वाले थे ठीक है उसके अंदर फाइंड आउट योर बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड अपॉन द गिवन फिर उसके बाद जरा वो सोचो अपने को ऑफर आ गया चार 400, हंड्रेड्रेड uh, 400, 400 क्या फोर हंड्रेड यूनिट के लिए थ्री आवर्स लग जाएगा तो ऑफर कंप्लीट करने के लिए ट्वेल्व हंड्रेड वो लग जाएंगे वैसे भी अपने पास फोर्टी एट हंड्रेड बहुत कम थे अभी ट्वेल्व हंड्रेड आवर्स ऑफर के लिए वो चले जाएंगे तो आवर्स कितने बच जाएंगे बेटा थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बस काम खत्म हो गया तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आर्स ही बच जाएंगे दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर केस फिर देख लेना पाओगे जो तुम लोगों ने पहले बनाया था अभी तो उससे कम ही बनेंगे, क्योंकि पहले 4800 थे, अभी 3600 होंगे, तो फिर देख लेना कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा कम बिकेगा उससे कितना लूज हो जाएगा, वो वाला फिगर निकाल लेना एंड लास्टली मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बोला जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट यहां पे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ओके तो यहां पे जो भी तुम्हारा एक वेरिएबल कॉस्ट था तुम लोग x1 वन ट्रांसफर करने वाले हो कुछ सत्रह रुपये का तुम्हारा वो वेरिएबल कॉस्ट है इंटू फोर हंड्रेड सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है प्लस यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट वो नहीं थी प्लस इन दिस केस जो तुम लोग लूज करने वाले हो दैट अमाउंट यू ऑल कैन राइट ओवर हियर दिस फिगर डिवाइडेड बाय 400 कुछ अपना 21.5 आ गया था बट याद रखना सेकेंड डिवीजन कैन बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम अ मार्केट एट 22 तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन हो जाएगा बिटवीन 21.5 एंड ₹22 ठीक ये तुम्हारा ये वाला फर्स्ट पार्ट था जब ये 4800 आवर्स थे सेम काम इन दिस पर्टिकुलर केस वी ऑल हैड डन इफ इन दिस केस आवर्स वर 6200 एग्जैक्टली द सेम पर्टिकुलर थिंग वी ऑल हैड डन 6200 आवर्स जो है जब अपने पास थे इन दैट केस हम लोगों ने क्या क्या किया 6,200 घंटे पहले बार इना फोन ही फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड आर से अपने को चाहिए थे तो तब हम लोग सब कुछ बना लेते थे देख लेना ऑफर के अंदर घंटे वो चले जाएंगे तो बच जाएंगे आवर्स ओके तो देख लेना आवर्स के ना अभी क्या बनेगा कुछ ना कुछ तो कम ही बनेगा तो कम बनेगा तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लूज हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने आंसर निकाल लिया था लेकिन मैं तुमको बोला था क्वेश्चन सोल्व मत करो बहुत टाइम लगता है बिफोर दी दी ऑफर ऑफर आफ्टर नहीं करने का तो तब मैं तुम लोग को डायरेक्टली बोल दिया था शुरू में अपने पास पांच सौ घंटे तो स्पेयर थे पांच सौ घंटे मतलब छ हजार दो सौ माइनस फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो देर राइट सो

ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली सेम एज ओनली इज नो डिफरेंस ठीक है मैं 16 का ना एक बार यहां पे शॉर्ट्स पढ़ रहा हूं तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑन लिमिटिंग फैक्टर्स ओके प्लस इंटरनल प्राइसिंग आर सार लिमिटिंग फैक्टर ठीक है फाइंड प्रोडक्शन बिफोर यू गेट दी ऑफर बेस्ड अपॉन द रैंक्स गिवन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर think of the hours required for the offer find the hours left if we accept the offer find the best product mix based upon the ranks given by contribution per hour difference between the production before and after will give you the idea of contribution lost find variable cost for the offer and add contribution loss because of the offer that's your opportunity cost basically in it discuss the range of transfer price do remember that transferee department will not pay anything more than the purchase price of the goods from the market okay? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन था सेम वे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आई हैड कैप फॉर होमवर्क ओनी एग्जैक्टली सेम एटीन इन ऑल्सो दीज आर ऑल टू स्टार क्वेश्चन सो यू ऑल शुड बी सॉल्विंग दैम एज सून एज पॉसिबल इन केस यू ऑल डू नॉट गेट दोज पर्टिकुलर थिंग्स यू ऑल कैन ट्राई दैट ओके मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वगैरह वो नहीं होने वाला ठीक है अच्छा जो तुम्हारा नाइनटीन क्वेश्चन था शायद वो होमवर्क का वो नहीं था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पूरा का पूरा सॉल्व किया था इट वॉज नॉट अ होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट कंपनी जो है ना वो वुड पल्प वगैरह तो वो बनाती है और सॉरी कोई एक कंपनी है वो वुड पल्प वगैरह तो वो बनाती है अभी उसने एक छोटा सा कंपनी वो एक्वायर किया है ओके जो ऐसा मटेरियल वगैरह तो वो बनाता है जो इन्हीं लोगों को चाहिए ओके तो यहां पर देखो जरा क्या था उषा प्रोडक्ट्स

उन लोगों को ना वुड पल्प की भी जरूरत पड़ेगी ओके वुड पल्प तो हमारा कंपनी करंटली बनाता ही है तो ये लोग क्या सोच रहे वो बनाने का है। तो उसके लिए उन लोगों को यहां पर वुड पल्प चाहिए अभी वुड पल्प तो हमारा कंपनी बनाते तो ये लोग मार्केट से खरीदने से अच्छा हम लोगों से क्यों नहीं खरीद लेते तो यहां पर्टिकुलर ऑप्शन सम के ना बेटा तीन पार्ट आया सम के ना जो तीन पार्ट था वो कैसा था फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन के पास ना यहाँ पर कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है वो मार्केट के ना सब कुछ बेच सकता है अगर वो मार्केट के ना सब कुछ बेच सकता है तो ऑब्वियसली अगर मार्केट के ना नहीं बेचेगा और अगर दूसरे डिवीजन को देगा इट विल लाइक टू चार्ज समथिंग इट लाइक टू चार्ज टू हंड्रेड एंड टेन ओनली एंड दैट इज नथिंग द प्राइस एट विच वी आर सेलिंग द थिंग्स इन द मार्केट क्योंकि अगर मैं मार्केट के अंदर नहीं बेच रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ लूज कर रहा हूं तो अदर डिपार्टमेंट हैज़ टू बी गिविंग तो फर्स्ट डिवीज़न के दिमाग में हमेशा टू हंड टेन होगा लेकिन सबने ऐसा दिया था कि ना ये जो सेकंड वाला डिवीज़न है ना मार्केट से वुड पल्प खरीद सकता था एट 210 हंड्रेड एंड टेन लेस टेन परसेंट का डिस्काउंट लेस टेन परसेंट मतलब वन एटी नाइन के अंदर तो ऐसे केसेस के ना बेटा नेगोसिएशन हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट डिविजन हमेशा क्या बोलेगा भाई मेरे को दो सौ दस रुपए दे दूसरा बोलेगा भाई मैं मार्केट से वन एटी नाइन के ना खरीद सकता हूं तो ऐसे केसेस के ना कोई डीलिंग हो ही नहीं सकता ठीक है अभी सेकंड केस के अंदर इन लोगों के पास स्पेयर कैपेसिटी था क्योंकि फर्स्ट डिवीजन डिविजन सिर्फेंड यूनिट्स ही बेच रहा था इन द मार्केट जो फर्स्ट वाला वो जो डिवीजन था वो 60,000 यूनिट्स ही बेच रहा था इन द मार्केट तो उनके पास जो कैपेसिटी था लाख का था तो उनके पास 40,000 का स्पेयर कैपेसिटी था ठीक है अभी जो 40,000 का स्पेयर कैपेसिटी था तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वाला फोर्टी थाउजेंड तो वैसे भी नहीं बनने वाला था तो ऐसे केसेस के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल नॉट बी कमिंग होनी तो जो फर्स्ट डिविजन है ना उसका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लेंगे ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेंगे वो वो 126 था सेकंड डिवीजन जो है 189 से ज्यादा नहीं देगा तो किधर ना किधर इन का डील हो जाएगा 126 से लेके 189 तक ठीक है अभी सिचुएशन थ्री भी एक्चुअली सिचुएशन टू की तरह ही था बस आईसी ने कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई किया लेकिन वो लोग कर नहीं पाए कि मार्केट के अंदर अगर अभी प्राइस वन से कम होकर 177 हो जाता है ठीक है और फिर भी अगर फर्स्ट डिविजन सॉरी फिर भी अगर सेकेंड डिविजन मार्केट से खरीद लेता तो तो अगर, clear, uh, है तो इन दैट पर्टिक्यूलर के अगर क्योंकि हम लोगों ने एक मारा था दैट वी अज्यूम दैट कि फर्स्ट डिविजन के कैपेसिटी है तो फर्स्ट डिविजन के पास स्पेयर कैपेसिटी था सो द रेलिवेंट कॉज फॉर द फर्स्ट डिविजन ओनली बी वन ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो उसको 126 तो चाहिए रहेगा सेकंड डिवीजन कैन बाय फ्रॉम द मार्केट एट व्हाट पर्टिकुलर रेट बॉस 177 ओके okay. तो so 126 टू 177 के बीच में डील हो जाएगा लेकिन अगर सेकंड डिवीजन ने अगर सेकंड डिवीजन ने जरा सोचो फर्स्ट डिवीजन से नहीं खरीदा और मार्केट से खरीद लिया ओके okay. तो इन दैट पर्टिकुलर केस डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बिकम आवर लॉस क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को इतना एक्स्ट्रा फटका लगेगा लॉजिकली दोनों के बीच में डील हो जाना चाहिए देर इज अ अर्टन रेंज ओके लेकिन क्या हो सकता है फर्स्ट डिविजन जो है ना अपने दिमाग में क्या सोच सकता है बेकार थॉट है लेकिन सोच सकता है 126 का वेरिएबल कॉस्ट 54 का फिक्स कॉस्ट सो माई टोल कॉस्ट इज 180 180 से कम में क्यों ओके okay? लेकिन जरा सोचना 180 इज एक्चुअली नॉट योर रेलवेंट कॉस्ट योर रेलिवेंट कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज वन ट्वेंटी सिक्स होनी ओके

सेम प्रिंसिपल्स एज डन बिफोर ऑल्सो ओके क्वेश्चन के ना कुछ भी नहीं था इफ वी हैव स्पेयर कपैसिटी ऑपर्चुनिटी कॉस्ट विल नॉट कम इफ वी डू नॉट हैव स्पेयर कपैसिटी ऑपरचुनिटी कॉस्ट इन दिस पर्टिक्युलर केस विल बी कमिंग ठीक है लास्ट पार्ट इज अस पार्ट डू रिमेंबर दैट इफ वी हैव एनी स्पेयर कैपैसिटी एनीथिंग अबव वेरिएबल कॉस्ट इज गुड ओनली फॉर अस ठीक है इन केस द कंपनी ड नॉट टेक अप दिस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंडचेज कॉस्ट विल बिकम लॉस फॉर द कंपनी मैंने अभी अभी वही एक चीज बोला डिफरेंसवीन ट्वेंटी सेवन विल बिकम लॉस फॉर दी यह हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अभी इसके बाद ना अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे अपने क्वेश्चन ट्वेंटी ये सीआई लेवल का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के अंदर यहाँ पे एक डिवीजन ए था जो प्रोडक्ट ए बनाता है डिवीजन बी था जो प्रोडक्ट बी बनाता है टू यूनिट्स चाहिए ए का एक यूनिट ऑफ बी के लिए आ, तो दिस वाज अ केस अपार्ट फ्रॉम दैट बी हैज फर्स्ट कॉल ऑन डिवीजन ए इज आउटपुट तो पहले डिवीजन ए जो है जब गुड्स बना लेता है तो डिवीजन बी को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई इन केस यू वॉन्ट बी परचेजिंग देन यू कैन परचेज फ्रॉम आस जो बी नहीं खरीदेगा डिवीजन ए कैन सेल दैट पर्टिकुलर थिंग न मार्केट ठीक है अपने को यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी वगैरह वो दिया हुआ था तो शायद किधर किधर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ सकता है यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के अपने तीन केसेस थे एक ए एस मेथड एब्जॉर्प स्टैंडर्ड कॉस्ट जहां पे बीस रुपए का वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट डिविजन का वो आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट पांच रुपए का जो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया गया था सो इन ऑल देव सेकेंड वो सपोज टू बी ऑर मार्केट प्राइस मेथड तो जो भी मार्केट प्राइस होगा दैट बिकम द ट्रांसफर प्राइस प्लस एक वीसी मेथड वीसी मेथड वाज जितना भी यूनिट्स ट्रांसफर होएगा ओके इनटू द वेरिएबल कॉस्ट दैट वाज ट्वेंटी रुपीज प्लस डिवीजन ए का फिक्स कॉस्ट का एट्टी परसेंट डिवीजन ए का फिक्स कॉस्ट पांच लाख था उसका एट्टी परसेंट मतलब फोर लाख तो तुम्हारा ट्रांसफर प्राइस विल बी डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर और अपने को सम के अंदर तीन सिचुएशन दिया हुआ था जिसको कोर्ट दे के वो रखा हुआ था फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी आप लोग को इनकम स्टेटमेंट्स वो बनाने का था अंडर वेरियस सिचुएशन अंडर वेरियस मेथड्स ओके वो क्वेश्चन वो पार्ट के ना दे वॉज नथिंग डिफिकल्ट इट वॉज ऑल अ इजी क्वेश्चन ठीक है फिर उसके बाद जब ये डिसीजन मेकिंग पर आ गए थे तो तब ना यहां पर कुछ ना कुछ था और तब यहां पर वो क्या था डिवीजन बी को एक ऑफर आया था कितने यूनिट्स का बीस हजार का ठीक है तो पार्ट ए और पार्ट बी बिल्कुल सेम थे लेकिन पार्ट पार्ट ए ए के के अंदर तुम लोग कौन था यू वर मैनेजर ऑफ बी अगर तुमको बी को ऑफर आया है बीस हजार यूनिट का उसके लिए तुम लोग को ए बी तो चाहिए कितना यूनिट्स फोर्टी थाउजेंड तुम लोग डिवीजन बी का मैनेजर है अगर तुम लोग ए वाला ऑफर इवेलुएट कर रहे हो तो तुम लोग क्या सोचेगा यार बी बनाने के लिए मेरे को चालीस हजार यूनिट ऑफ ए बी तो चाहिए ओके इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे चालीस हजार यूनिट ऑफ ए जो है आप लोग वो खरीदोगे जब खरीदोगे तभी ट्रांसफर प्राइस विल कम नो इन टू पिक्चर ओके तो आप लोग को ऑफर इवेल करने का था दीज वर द सेलिंग प्राइसेस बी का जो खुद का कॉस्ट था वो बारह रुपए का था लेकिन डिविजन बी ए से खरीदेगा जब ए से खरीदेगा ट्रांसफर प्राइस विल कम तो ये अपने को ट्रांसफर प्राइस भी दिया हुआ था ठीक हर एक केस के ना बस देख लेना अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ठीक है सॉरी अगर स्पेयर कैपेसिटी था तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा ओके okay, तो यहां पर भी अपने पास मत, अपने पास मतलब डिवीजन बी के पास स्पेयर कैपेसिटी था यहां पर भी स्पेयर कैपेसिटी था तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आया ठीक फिर पार्ट बी के अंदर यू हैव बिकम एमडी ऑफ द इंटायर ग्रुप तुम लोग का प्रमोशन हो गया है यू हैव बिकम एमडी ऑफ द ग्रुप तो तुम्हारे ट्रांसफर प्राइजिंग इज ऑफ नो यूज तो जब हम लोगों ने ऑफर इवेल्यूट किया तो हम लोगों ने कंपनी के सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट देखा कंपनी का कॉस्ट देखा तभी ट्रांसफर प्राइस इज विल बी ऑफ नो यूज बस वहां पे एक जगह पर जब हम लोग बी पार्ट टू कर रहे थे ना क्योंकि बी पार्ट टू और सेम एज ए पार्ट टू तब ऑपर्चुनिटी कॉस्ट आएगा क्योंकि तभी ना अपने पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं था तो हम लोगों ने तभी दो ऑप्शन सोचे थे या ये भी लूज कर सकते हो और ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो या ये भी लूज कर सकते हो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो गिवन अ चॉइस आई लाइक टू लूज वट इज लोअर तो हम लोग का एक सिक्स लाख ,00 का आंसर आया था फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड का आंसर आता है ये एक बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन था अगर तुमको उसका कुछ भी फाइनल रिविजन करने का होगा ना सिर्फ बी पार्ट टू देख लेना सब कुछ यहाँ पे याद आई जाएगा ठीक है जहां पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अपना वो फंड आया था ठीक है ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर वो वाला झगड़ा हो रहा है डिवीजन ए मार्केट के ना प्रोडक्ट बेच सकता है एट टेन रुपीज डिमांड बहुत तगड़ा है डिपार्टमेंट बी बोलता है भाई हम लोग निया है हमको सात रुपए के अंदर दे दो अभी झगड़ा वो बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है एज अ सी ओ ऑफ द कंपनी आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम तेरी इवेल्युएशन के लिए ट्रांसफर प्राइस विल बी टेन मतलब रेवेन्यू विल बी टेन तेरी इवेलुएशन के लिए द कॉस्ट विल बी रूपीज सेवन ठीक है लेकिन ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए करना विद अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू डिवीजन टू द ट्रांसफर ये डिवीज़न कि भाई मैं थोड़ी देर तक ओके से पाँच या छः महीने तक तेरे लिए ट्रांसफर प्राइस कम रख रहा हूँ ताकि तेरा लॉस ना आए लेकिन पाँच छः महीने के ना मार्केट जमा लेना दैट पर्टिक्यूलर केस पांच छे महीने के बाद द ट्रांसफर प्राइस विल बी बैक टू द मार्केट प्राइस होनी ठीक है तो एटलीस्ट पांच छह महीने के लिए जो झगड़ा है वो रिजॉल्व तो हो ही जाएगा और तब तक शायद ओके कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट ऑल्सो ठीक है ट्वेंटी टू इज सपोज टू बी होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ट्वेंटी वन था लेकिन कभी भी झगड़ा हो ना यू कैन ट्राई टू रेप्रेजेंट यू कैन ट्राई टू रिकमेंड अंग ट्राई टू है

क्ले वगैरह बो लेके उसको हंड्रेड पीसेस के ना कन्वर्ट करके मार्केट के ना बेच देता है ये वाला जो पैराग्राफ था दैट वाज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस यहां पे क्या हुआ था जुलाई फर्स्ट को दोनों डिपार्टमेंट्स को मिले थे दोनों ने एग्री कर लिया था ट्रांसफर प्राइस टू हंड्रेड हो जाएगा उस दिन पर टू हंड्रेड क्या था दैट वॉज ऑल्सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेल सेल डिविजन ये वाला क्वेश्चन सारा का सारा दिसंबर मंथ का है दिसंबर मंथ के अंदर मार्केट प्राइस दो सौ रुपए से कम होकर वन हो, हो चुका है तो जो रिटेल डिवीजन है वो बोलता है मार्केट के ना प्राइस कम हुआ हमारे लिए भी कम करो लेकिन फर्स्ट वाला डिवीजन क्या बोलता है नहीं यू हैड एग्रीड नो नाउ इट विल रिमेन क्रक्स ऑफ़ दिस एंटायर क्वेश्चन वॉज इट वॉज अ एग्रीमेंट मेथड इट वॉज नॉट अ मार्केट प्राइस मेथड फर्स्ट डिविजन ने बोला था ट्रांसफर प्राइस विल बी टू हंड्रेड सेकंड डिपार्टमेंट एग्रीड ऑन दैट टू हंड्रेड जो यहाँ पर लिखा हुआ था तो अभी तो ट्रांसफर प्राइस टू हंड्रेड रुपीज ही रहेगा पार्ट ए वॉज वेरी सिंपल सामने अपने को क्या बोला था आप लोग इनकम स्टेटमेंट वो बना देना अंडर एटी परसेंट एंड अंडर हंड्रेड परसेंट ठीक है Uh, उससे पहले एक और छोटा सा चीज फर्स्ट डिवीजन का कैपेसिटी 2000 था अगर वो 80 परसेंट के ऊपर काम कर रहा था तो वो 1600 टन बना रहा था उसके हजार मार्केट के अंदर वो जा रहा था 800 जो है सॉरी 600 जो है जो दूसरे डिवीजन को जा रहा था अगर फर्स्ट डिवीजन 100 परसेंट के ऊपर काम करेगा ना तो टू थाउजेंड टन ही बना देगा टू थाउजेंड के नए से थाउजेंड अभी भी मार्केट के अंदर जाएगा लेकिन थाउजेंड विल बी गोइंग टू द अदर डिवीजन तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ना इनकम स्टेटमेंट्स बना लिया था तो यहां पर ना कुछ ऐसा हुआ था जब कंपनी 80 परसेंट पर काम करता था ना तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ ना कुछ होता था लेकिन जब कंपनी 100 परसेंट पर काम कर रहा था तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था और फर्स्ट डिविजन का जो होलसेल डिविजन था उसका भी प्रॉफिट बढ़ रहा था लेकिन जो रिटेल डिवीजन था ना उसका प्रॉफिट कम हो रहा था तो ऑब्वियसली रिटेल डिवीजन विल नॉट वांट द कंपनी टू प्रोग्रेस क्योंकि जब रिटेल डिवीजन ज्यादा काम करता है तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता है तो ऐसे केसेस के ना अल्टीमेटली कंपनी विल सफर होगी क्योंकि रिटेल डिविजन अल्टीमेटली यहां पर एक्स्ट्रा चार टन कभी खरीदेगा नहीं क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ठीक है तो ट्रांसफर प्राइस टू ही रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर जो दूसरा वाला वो जो डिविजन है ज लाइक टू ऑपरेट एट अ लोअर लेवल ओन बिकॉज इज प्रॉफिट इज हाई दैट वज इल इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस हम लोगों ने एक बार ये वाला पार्ट कर लिया था फिर उसके बाद सामने अपने कुछ और भी बोला था कोई एक ऑल्टनेट ट्रांसफर प्राइस वगैरह बोलो तो हम लोगों ने वहां पर बोल दिया था यू कैन ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट या फिर फॉलो शेयर नेट प्रॉफिट मेथड वो सब कुछ तुम लोग कर सकते हो ठीक है और फिर हम लोगों ने एक आइडियल ट्रांसफर प्राइस भी बोला था आइडियल ट्रांसफर प्राइस के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया था जब कंपनी 80 परसेंट के ऊपर काम करता है ना वन लाख थर्टी टू थाउजेंड का प्रॉफिट कमाता है जब भी 100 परसेंट के ऊपर काम करता है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीजी का प्रॉफिट कमाता है तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा था ट्वेंटी एट थाउजेंड हम लोगों ने क्या बोला लेट दिस ट्वेंटी एट थाउजेंड भी डिवाइडेड इक्वली तो चौदह चौदह हजार रुपया ईच ऐसा करके हम लोगों ने प्रॉफिट फिक्स करके एज कंपेयर टू द करंट प्रॉफिट हम लोगों ने चौदह चौदह हजार रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो दे दिया था देन वी वेंट बैक एंड कंप्यूटेड आइडियल ट्रांसफर प्राइस दैट वॉज वन सिक्सटी टू रुपीज़ ठीक है ये हो गया था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सो दिस इज वन थिंग जिसका शॉर्ट जो है कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस के तौर पे तो वो रखा हुआ था एक एक लाइन का था फर्स्ट डिवीजन के पास कुछ ना कुछ स्पेयर कैपेसिटी है चार हजार यूनिट का सेकेंड डिविजन बोलता है कि हमको कुछ ना कुछ आप ट्रांसफर कर दो तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट विल रिप्रेजेंट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो फर्स्ट डिविजन का जो वेरिएबल कॉस्ट है सात रुपये का है, लेकिन सेकंड डिवीजन मार्केट से खरीद सकता है एट पर्टिकुलर रेट तो टू के बीच में नेगोशिएशन हो जाएगा तुम्हारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी होने लेकिन वहां पर एक मैंने कैच रखा हुआ था फर्स्ट डिविजन का वेरिएबल कॉस्ट अभी भी सात रुपया है लेकिन सेकंड डिविजन का सेकेंड डिविजन मार्केट से खरीद सकता है नाइन पॉइंट फाइव के अंदर लेकिन अगर वो फर्स्ट डिवीजन से खरीदेगा उसका एक रुपए का पिकअप कॉस्ट लगेगा तो जरा सोचो देगा ही नहीं क्यों क्योंकि अगर कभी ने सेकंड को बोला, मैं तेरे को 8.75 चार्ज करेगा तो तुम लोग अगर डिवीजन बी का मैनेजर है तो तुम लोग क्या सोचेगा मैं इसको एट पॉइंट उसके बाद मैं गुड्स पिकअप करवाऊं मेरा कॉस्ट नाइन का पड़ जाएगा इसे अच्छा मैं मार्केट से ना खरीदू एट नाइन ओके

Uh, to to okay. so, so, इसलिए करवाए थे क्योंकि क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स के अंदर ये चीजों का कुछ ना कुछ इंपैक्ट आया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जो है अपना इस रिविजन uh, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ओके okay. तो so, x था y था z था एक्स वाई को देगा वाई जेड को देगा ठीक है x मार्केट के अंदर इतना यूनिट्स बेच सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट सॉरी दिस इज द कैपेसिटी ऑफ x इतना यूनिट्स वो मार्केट के अंदर बेच सकता है y इतना यूनिट्स बनाकर इतना यूनिट्स मार्केट के अंदर बेच सकता है वो तो बोलते सर बाकी यूनिट्स का क्या होगा बाकी यूनिट्स यू कैन ट्रांसफर तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि अगर x जब मार्केट के अंदर गुड्स बेचेगा ठीक है तो कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएगा तो हम लोगों ने यहां पर एक टेबल वगैरह तो वो बनाया था इस टेबल के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर वगैरह वो आया था कुछ ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का कुछ आंसर वगैरह अपना आया था ठीक है तो जब वो मार्केट के अंदर बेचेगा तो चौदह रुपये का सॉरी ट्वेंटी फाइव रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन वो कमा लेगा ठीक लेकिन जब डिवीजन वाई को बेचेगा तो ट्रांसफर प्राइस विल कम द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन एक्स द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी इट्स वेरिएबल बिकॉज दैट इज फोर्टी एंड थर्टी एजेंट्स कमीशन इंटरनल सेल्स के ऊपर नहीं आता ऐसा सम के अंदर वो दिया हुआ था लेकिन अभी डिविजन वाइज जरा सोचो मैक्सिमम कितना पे करेगा वो मैक्सिमम कितना पे करेगा वो अगर मार्केट से खरीदता एट्टी फाइव का खरीदता लेकिन अगर एक्स से खरीदेगा ना उसका छह रुपए का पिकअप का खर्चा होता है सो तो देखो मैक्सिमम वो सेवेंटी नाइन ही देने के लिए तैयार होगा अगर फर्स्ट डिविजन ने डिविजन वाई को बोला कि मैं तेरे को एट्टी का देगा तो डिविजन वाई क्या सोचेगा एट्टी रुपीज का खर्चा पहले मेरा उसके बाद छः रुपए का पिकअप कॉस्ट माई कॉस्ट विल बिकम एट्टी सिक्स इससे अच्छा मैं मार्केट से ना खरीद दूं एटी फाइव ओके सो देखो सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन के बीच में डील हो जाएगा चलो अगर सेवेंटी नाइन के ऊपर भी डील हुआ ना तो याद रखना एक्स ना सेवेंटी नाइन पर ट्रांसफर करेगा और उसका सेवेंटी रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है तो मैक्सिमम वो नौ रुपए ही कमाएगा तो हम लोगों ने एक्स के लिए क्या बोला था भाई तू पहले मार्केट के अंदर तू बेच देना चौदह हजार यूनिट हर एक यूनिट के ऊपर तू पच्चीस रुपए तो, तो कमाई लेगा ठीक है और बाकी फिर तू वाई के साथ बैठ जा यू ट्राई टू नेगोशिएट बिटवीन सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन वो वाला काम बहुत ईजी था ठीक है एक्स का काम बहुत ईजी था उसके बाद वाई की स्टोरी आ गई थी अभी वाई के लिए कॉम्प्लिकेशन वो बढ़ गया था क्योंकि वाई एक काम कर सकता है थर्टी थाउजेंड अंदर से ट्वेंटी सेक्स uh, और ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड मार्केट के अंदर बेच सकता है वो सोचेगा पहले मार्केट के अंदर बेचो या ना बेचो उसके लिए पहले तुम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर तुम्हारा मटीरियल कॉस्ट भी तो आएगा वाई कैन इधर परचेज फ्रॉम मार्केट एट एटी फाइव और इन दिस पर्टिकुलर केस इट कैन ऑल्सो भी परचेजिंग फ्रॉम डिविजन जब वो डिविजन एक्स से खरीदेगा तो सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन के बीच में डील होगा तो हम लोगों ने ना यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस निकाल लिया तो कुछ टेन रुपीज टू नाइनटीन रुपीज कुछ आया था तो जब भी वाई मार्केट के ना प्रोडक्ट बेचता है ना तब तो वो नाइनटीन रुपीज़ कुछ ना कुछ वो कमा लेगा ठीक है टेन रुपीज टू नाइनटीन रुपीज दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर प्राइस अच्छा याद रखना जब वाई मार्केट के ना प्रोडक्ट बेचेगा ना वन का बेचेगा उसके कॉस्ट के अंदर एक तो लेबर कॉस्ट आ जाएगा एक उसके बाद सेल्स एजेंट्स कमीशन वो आ जाएगा मार्केट से खरीदेगा तो एटी फाइव रुपीज अगर एक्स से खरीदेगा तो सेवेंटी से लेके सेवेंटी नाइन प्लस छह रुपए का तेरा वो जो पिकअप कॉस्ट था और यहां पे कुछ ना कुछ ना और कॉस्ट भी है जब वो मार्केट के अंदर बेचता है उसका दस रुपए का यहाँ पे और खर्चा हो जाता है डिलीवरी का ये सब कुछ कर करके अपना टेन टू नाइनटीन रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आया था फिर उसने सोचा यार अगर जेड को ट्रांसफर करेगा ना तो कितना कमाएगा कितना कमाएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर प्राइस तो हम लोगों ने पहले सोचा मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट जब हम लोग निकालने के लिए गए ना कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट भी तो आएगा एंड मटेरियल कॉस्ट डिपेंड्स की वायु मटेरियल किधर से लेके आ रहा है अगर वाई ने मटेरियल मार्केट से खरीदा ना उसका कुछ कॉस्ट 143 आ रहा था ओके लेकिन 143 जो है ना विल बी ऑफ नो यूज होनी, कोई बोलता है सर क्यों क्योंकि जेड कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट एट 135. तो अगर वाई का वाई अगर मटेरियल मार्केट से खरीदता है उसका खुद का कॉस्ट इज वन फोर्टी थ्री यार ओके तो फिर जेड उसके साथ कभी नेगोसिएशन ही नहीं करेगा लेकिन अगर वाई का कॉस्ट कम होता है ठीक है तो हम लोगों ने सोचा वाई का कॉस सबसे कम कभी हो सकता है जब एक्स उसको या सेवेंटी पे ट्रांसफर करेगा या सेवेंटी वन पे क्योंकि अगर सेवेंटी टू से सेवेंटी नाइन कर देते हैं ना अगेन कॉस्ट इंक्रीजेस मोर देन वन थर्टी फाइव सो लेकिन अगर सपोज एक्स वाई को सेवेंटी और 71 वन के ना ट्रांसफर कर देता है तब y का जो कॉस्ट है यहां 134 हो जाएगा या 135 हो जाएगा दीज आर द ओनली टू ऑप्शन जहां पे y और z के बीच में नेगोशिएशन हो सकता है और फिर हम लोगों ने एक बात करना स्टार्ट वो कर दिया अगर y का कॉस्ट 134 है तो यहां वो 134 के ऊपर ही ट्रांसफर करेगा वो z को या फिर 135 के ऊपर तो इन दैट केस y कितना कमाएगा z कितना बचाएगा वी टू सी दोस पर्टिकुलर ऑप्शंस और उससे अपना ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो गया था इस क्वेश्चन का मैंने तुम लोगों को दो वर्जन दिया था एक तुम लोगों को समझाने के लिए इन अ टेबुलर मैनर जहां पे मैंने तुम लोगों को ये सब कुछ वो कंप्लीट करवाया था और इसका जो पैराग्राफ वाला आंसर था वो पीछे था ओके सो इंश्योर दैट यू रीड दैट पर्टिकुलर कंप्लीट थिंग ठीक है आई होप दैट सुपर क्विक रिविजन Uh, i'm trying to be doing the recap of each and every question that towards the end and during like you know once your a certain chapter is over you can try to revise them as soon as possible okay i'll see you all in the next lecture these lectures do come on a telegram channel the moment they are released first of all they always come on a telegram channel so you can download from there and keep them with you also they will be helpful in future you don't have to search any other place take care guys bye